हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विश्वकर्मा एंड यू वाचिंग कर्मा मोटर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यू जनरेशन थार से रिलेटेड कुछ कमाल की अपडेट हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जिसे अपने व्हीकल को मार्केट में प्रेजेंट करने का तरीका ही कुछ अलग होता है। स्वदेशी कंपनी इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब चर्चा में है। अब हम लोग बात करते हैं उन कमाल के अपडेट के बारे में। नंबर वन, न्यू जनरेशन की थार 2 अक्टूबर 2020 को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया था। उस दिन से आज अप्रॉक्स 19 डेज में न्यू जनरेशन की थार की ऑनलाइन बुकिंग 15,490 गाड़ियां हो चुकी है और अभी भी प्यारे कस्टमर्स के द्वारा लगातार न्यू जनरेशन थार में इंटरेस्ट जताया जा रहा है। नंबर टू, एसयूवी न्यू थार के रूप में 60% लोगों ने अपनी पहली कार के रूप में न्यू जनरेशन थार को स्वीकार किया है, यानी 15,490 गाड़ियां जिसमें से 60% लोगों ने पहली कार को सिलेक्ट किया है, वो है महिंद्रा की थार, जो कि बहुत ही खुशी की बात है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के लिए। थैंक्स सर मिस्टर आनंद महिंद्रा जी, सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स कंपनी। नंबर थ्री, 19 देश में 70,000 लोगों ने न्यू थार के बारे में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और कंपनी डीलर से इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश की है। नंबर फोर, 9,00,000 लोगों ने महिंद्रा थार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न्यू जनरेशन के थार के बारे में देखा है। अभी तक जितने सारे न्यू थार की बुकिंग किया गया है उसकी डिलीवरी 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू जनरेशन थार के फीचर्स, प्राइस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आप स्क्रीन पर एक लिंक आएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।